प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योति संस्थान में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपके लेकर आए हैं वार्षिक राशिफल 2023 वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह पूरा वर्ष 2023 का। वृष राशि की स्थिति क्या रहेगी, मुख्य ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, बृहस्पति शनि राहु केतु क्या फल देंगे पूरे वर्ष में, यह किन किन राशियों पर क्या क्या फल देते हैं और आपके किस किन स्थान पर रहेंगे, और स्वास्थ्य, व्यापार, दाम्पत्य, नौकरी, शत्रु, ऋण, बाधा, यात्रा कैसा रहेगा पूरे वर्ष में, और आपको यह बताते हैं। यह पूरे वर्ष के राजा बुध और मंत्री शुक्र रहेंगे। इस वर्ष बहुत अच्छा आपका जाएगा। गुरु मीन राशि में स्वर्णपाद से रहेंगे। गुरु मेष राशि में 21 अप्रैल को गुरु मेष राशि में चले जाएंगे, जो लोहपाद से हो जाएंगे। राहु मेष राशि में लोहपाद से, उसके बाद 29 अक्टूबर से मीन राशि में चले जाएंगे, जो लोहपाद से रहेंगे। केतु तुला राशि में स्वर्णपाद से पूरे वर्ष रहेंगे। 29 अक्टूबर 2023 से कन्या में जाएंगे रजत पाद से। वो एक क्या फल देंगे अभी आगे आपको बताते हैं कि क्या क्या ये सावधानियां बढ़ते हैं, क्या क्या सफलता आपको दे सकते हैं। राहु 29 अक्टूबर से मीन राशि लाभ स्थान में जाएंगे, जो अचानक आपको लाभ करा सकते हैं। केतु 29 अक्टूबर से कन्या राशि पंचम में, विद्या में सम्मान मिलेगा, आपकी अचानक नौकरी तैयार लग सकती है या संतान की उन्नति अचानक आपको हो सकती है। गुरु 21 अप्रैल 2023 को मेष राशि यानी आपके खर्च स्थान में चले जाएंगे। 21 अप्रैल तक आपके लाभ स्थान में रहेंगे, जो हर प्रकार से आपको लाभ देते रहेंगे। अब आपको हम पूरे इन चार ग्रहों का वार्षिक राशिफल बताते हैं, जो पूरे वर्ष में आपकी क्या स्थिति जाने वाली है। इस वर्ष 21 अप्रैल तक बृहस्पति लाभ स्थान में है, जो कि हर प्रकार से लाभ होगा, मनचाही सफलता आपको मिलेगी, बैंक बैलेंस बनेगा, मित्रों से और अपने भुजाओं के बल से भाइयों से भी आपको लाभ होगा। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि विद्या पर होने की वजह, सातवीं दृष्टि विद्या पर होने की वजह से आप कोई अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी का जबरदस्त योग बन रहा है आपको। पांचवी दृष्टि पराक्रम पर है, भाइयों की उन्नति होगी, अब मित्रों से आपको लाभ होगा। नवीं दृष्टि पत्नी पर है, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। यह राशिफल हम चंद्र राशि से बताते हैं। यह सार्वभौमिक राशिफल होता है, सभी का एक समान बताया जाता है। अगर स्पेशल अपनी जानकारी लेनी हो तो उसके लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान हमारे चैनल के नीचे दिए हुए नंबरों से व्हाट्सएप के माध्यम से दे करके आप पूरी जानकारी और ले सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि शनि की स्थिति क्या रहेगी। शनि पूरे 17 जनवरी 2023 से पूरे वर्ष आपके दशम स्थान यानी प्रतिष्ठा पर विराजमान रहेंगे। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें पदोन्नति होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, समाज उन्नति होगी, हर प्रकार से पिता से आपको लाभ हो सकता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ होगा, विदेश यात्राएं करने का अच्छा योग आपको बन रहा है, किसी धार्मिक यात्रा में भी आप जा सकते हैं, शत्रु पर विजय मिलेगी, मुकदमा इत्यादि अगर आपको चल रहा है तो उसमें लाभ होगा। राहु की स्थिति क्या रहेगी पूरे वर्ष में। पूरे वर्ष में राहु आपके द्वादश में है, कुछ पैसा निरर्थक में आपका खर्च हो सकता है। आपको ऐसा कोई कार्य न करें जो कि कोर्ट कचहरी, जेल या पुलिस संबंधी कार्यों में धन खर्च हो। इन चीज़ों से आपको झगड़ा झंझट से बचना चाहिए और थोड़ा सा पैर, पेट और सर का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पेट या पैरों में आपको चोट चपेट इत्यादि लग सकती है तो थोड़ी सावधानी बरतें तो ज़्यादा अच्छा होगा। राहु की पांचवी दृष्टि भूमि पर, थोड़े से माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। बाकी अगर आप कोई मकान या कोई जमीन इत्यादि लेते हैं तो उसका कागज पत्र देख कर लें, तब आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको पुराना मकान नहीं लेना चाहिए, एकदम न्यू मकान बना हो तभी लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सातवीं दृष्टि राहु की खष्टम पे होने की वजह शत्रु पर विजय मिलेगी और सफलता मिलेगा, लेकिन शत्रु आपके खिलाफ खड्यंत्र भी रच सकते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। नवीं दृष्टि अष्टम पर है, आपको अचानक चोट चपेट भी लगने की भी संभावनाएं बन सकती हैं, पेट में भी दिक्कत आ सकती है, आपको हार्ड और शुगर से बचना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ओवरऑल पूरा वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा,
कैसा जाने वाला है स्वास्थ्य आपका पूरे वर्ष में। स्वास्थ्य ज़्यादातर आपका ठीक रहेगा, बस आप मानसिक टेंशन से बचें, पेट और पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कैसा रहेगा पूरे वर्ष में नौकरी और व्यापार का योग, यह पूरे वर्ष में अच्छी सफलता आपको नौकरी व्यापार में मिलेगी। बृहस्पति 21 अप्रैल तक तो आपको अच्छे ढंग से सफलता देते रहे, मनचाही सफलता मिलेगी, उसके बाद भी आपको सफलता मिलते रहेगी, लेकिन आपके घर में परिवार में 21 अप्रैल के बाद कुछ मांगलिक शुभ कार्य हो सकते हैं, उसमें कुछ धन आपका खर्च हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि दाम्पत्य और प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, और अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह का योग आपका बन रहा है, इस वर्ष पूरी संभावनाएं हैं कि विवाह हो जाएगी। विवाह इत्यादि देखने के लिए जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति और दशा अंतरदशा भी देखना जरूरी होता है, इसलिए पूरी कुंडली दिखाने से पूर्ण पता चलता है विवाह के बारे में, लेकिन फिर भी गोचर पत्री से जो वार्षिक राशिफल है इसके मुताबिक विवाह का पूरा पूरा योग आपका बन रहा है। इस वर्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन वाहन का पूरे वर्ष सुख, इस समय इस वर्ष भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख मिलेगा, और थोड़ा सा कोई जमीन इत्यादि लेते हैं तो कागज पत्र देख कर लें तो आपको लाभ होगा। कैसा रहेगा शत्रु विजय, यानी शत्रु से संबंधित यात्रा या विदेश यात्रा का योग है या नहीं, इस वर्ष शत्रु से सावधान रहें, फिर भी शत्रु पर आपको विजय मिलेगी। न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगा और समाज में प्रतिष्ठा रहेगी। यात्राओं के योग हैं, अपने देश में या विदेश में भी आप जा सकते हैं, अच्छी सफलता आपको मिलेगी और लाभ होगा। 21 अप्रैल के बाद विदेश का ज्यादा योग है आपको, आप ये ध्यान रखिए कि आपके पत्री में 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक खर्च स्थान में चंडाल योग बना रहेगा, जो कुछ निरर्थक खर्च भी करा सकता है। खर्च में थोड़ा सा कंट्रोल करिए, जितना बड़ा चादर हो पैर उतना ही फैलाइए, और ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। आपको बताते हैं कि आय और व्यय कितने प्रतिशत होंगे, इस वर्ष आपका आय और व्यय बराबर रहेगा, जितनी लाभ होगी उतनी आपका खर्च बना रहेगा, इसलिए आय व्यय बराबर बना रहेगा। हम आपको बताते हैं कि मूल चार ग्रहों की स्थिति सूक्ष्म रूप से क्या रहेगी। शनि विशेष रूप से क्या फल आपको दे सकते हैं, शनि दशमस्थ होने से कठिनाइयां तो आएंगी, इसके बावजूद आपको अच्छी सफलता मिलेगा, बिजनेस में नौकरी में काम बनते रहेंगे। ताम्र पाया होने की वजह से अकस्मात आपको लाभ हो सकता है, जो आप सोचे नहीं होंगे, आप कोई कंपटीशन या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अचानक लाभ होगा। विदेश यात्रा के अगर आपका कार्य काफी दिन से रुका हुआ है तो आपका इस वर्ष हो जाएगा। इस वर्ष गुरु आंशिक रूप से क्या आपको फल दे रहे हैं पूरे वर्ष में, यानी जब मीन पे रहेंगे और मेष पे रहेंगे, दोनों का फल एक साथ हम आपको बताते हैं। स्वर्ण पाद से गुरु 21 अप्रैल के बाद शुभ कार्यों में धन खर्च होगा, उससे पहले बैंक बैलेंस बनेगा, संतान के प्रति खर्च होगा, और संतान के अगर संतान होने का योग आप बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, 21 अप्रैल से पहले आप बना लें। और घर में मांगलिक कार्य, आपके घर में परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, किसी के विवाह हो सकता है, आपका विवाह हो सकता है, आपके बच्चों की शादी हो सकती है, आपके भाइयों माने शुभ कार्यों में धन खर्च होगा। भूमि भवन वाहन से अच्छा खासा आपका धन खर्च हो सकता है, लग्जरी सुविधा में भी आपका धन जा सकता है। इस वर्ष आपको ऋण लेने से बचना चाहिए, 21 अप्रैल से पहले भाग्य लाभ और उन्नति भूमि भवन वाहन का विशेष सफलता आपको मिलेगा। हम आपको बताते हैं आंशिक राहु का क्या फल होगा पूरे वर्ष में, विशेष रूप से व्यर्थ की भाग दौड़ थोड़ा सा आपको बना रहेगा, यानी कि कोई कार्य आपका सीधा सीधा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा भाग दौड़ करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। आपको कुछ अपयश से बचना चाहिए, ऐसा कोई कार्य न करें कि अपयश भी आपको मिले। कार्यों में थोड़ी सी विलंब आपके हो सकता है और मन कभी कभी अशांत रह सकता है। अब केतु की स्थिति क्या रहेगी पूरे वर्ष 2023 में, केतु से शुभ समाचार मिलेगा। केतु आपके 29 अक्टूबर तक अष्टम में बैठने की वजह से परिवार में शुभ समाचार, आपकी नौकरी या आपके बच्चों की किसी की नौकरी लग जाए तो उससे शुभ समाचार आपको मिल सकता है। नौकरी व्यापार से लाभ होगा, पराक्रम में सफलता मिलेगी और सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, यानी केतु पूरे वर्ष बहुत अच्छा फल दे रहे हैं आपका, इसलिए केतु बहुत अच्छा फल देंगे। थोड़ी सी राहु की वजह से भाग दौड़ अपयश खर्च थोड़ा बढ़ा रहेगा। प्रिय दर्शकों,
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के नीचे दिए हुए नंबरों से भी संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।